हर मैदान पर अपने पति हार्दिक पांडे की बेइज्जती सुनने के बाद रो पड़ी नताशा। जी हाँ, हार्दिक को हर एक मैदान पर ट्रोल किया गया है। कोई मैदान नहीं है जहाँ हार्दिक को गालियाँ ना पड़ी हो। सबसे ज्यादा तो उन्हें उनके ही होम ग्राउंड वानखेड़े में ट्रोल किया गया। यहाँ ज्यादातर सपोर्टर्स रोहित शर्मा के थे, इसीलिए यहाँ लोग हार्दिक को काफी ज्यादा हेट कर रहे थे। हालांकि रोहित ने सभी को कहा कि वो हार्दिक को गालियाँ ना दे, लेकिन लोग है कि मानते नहीं। अलग अलग अपशब्द इस्तेमाल करके हार्दिक के खिलाफ लोग नारे लगा रहे थे। वही इस मैच को देखने आई उनकी बीवी तो हार्दिक का यह हाल देखने के बाद काफी उदास दिखाई दी। नताशा तो मैदान पर ही रो पड़ी, जिसके बाद हार्दिक पांड्या उनसे मिलने जाते हैं और उन्हें गले लगते हुए दिलासा दे रहे थे। और भला क्यों ना हो, आप जिस इंसान से प्यार करते हो उस इंसान पर लोग सारे आम कीचड़ उछाल रहे हैं तो किसी को भी रोना आएगा। नताशा काफी देर तक रोती रही। दोस्तों, आपकी राय में क्या हार्दिक को इस तरह से ट्रोल करना सही है या गलत, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अपने दोस्त हार्दिक के लिए रोहित शर्मा ने दिल जीतने वाला काम कर दिया है। दरअसल हम जानते हैं कि इस समय हार्दिक पांड्या को हर एक मैदान पर ट्रोल किया जा रहा है और सभी को पता है कि जब हार्दिक वानखेड़े में आएंगे तो लोग उन्हें सबसे ज्यादा ट्रोल करेंगे। और हमने ऐसा देखा भी, ऐसा कोई पल नहीं था जहां लोग हार्दिक को ट्रोल नहीं कर रहे थे या उनको गालियां नहीं दे रहे थे। हर वक्त उन्हें लोगों से सुनने को मिल रहा था और ये सब जब रोहित शर्मा ने देखा तब वो अपने दोस्त के बचाव में उतरे, जहां उन्होंने लोगों को इशारा करते हुए कहा कि हार्दिक को ट्रोल ना करें। और दोस्तों, रोहित की इस बात से खुद मुंबई की ओनर नीता अंबानी भी काफी खुश दिखाई दी। रोहित की इस बात ने सभी का दिल जीत लिया है। बाकी रोहित के कहने के बाद शायद अब लोग हार्दिक को ट्रोल नहीं करेंगे। बाकी आपको इस पर क्या लगता है कमेंट करके बता दीजिए।